दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आनंद कुमार, फाउंडर सीईओ स्टार्टअप अथॉरिटी, और आज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टार्टअप अथॉरिटी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, जहां पे मैं बात करने जा रहा हूं कि कैसी बेहतरीन बिजनेस मॉडल के बारे में, जिस मॉडल की शुरुआत आप 5,000 रुपए से कर सकते हैं। मतलब एक ऐसा बिजनेस मॉडल जिसमें आपका एक्चुअल में एग्जिस्टेंस स्टोर का नहीं है, आपका जो मार्ट है उसका एक्चुअल में स्टोर नहीं है, स्टोरेज नहीं है या मार्ट है ही नहीं, और इसके बावजूद भी आप उस दुकान से 50,000 से 70,000 रुपए कमा रहे हैं। अगर आप इस तरह की एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक रियल स्टोरी भी बताने जा रहा हूं, और ये रियल स्टोरी है इस कंपनी का, यानी कि दिस इज स्टार्टअप अथॉरिटीज बेस्ट कंपनी, जो 2013 में शुरू की गई थी, और 2013 में ये जो बिजनेस है वो चला था, बहुत अच्छा चला था, और आज भी इस बिजनेस का स्कोप सबसे ज्यादा है, सबसे बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। कमाल की बात है यहाँ पे कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे दोस्तों जिनको ये पता होगा, कि आप लोग सोचते होंगे कि यार ये आइडिया मुझे पता है, लेकिन दोस्तों आज मैं जिस चीज के बारे में बताने जा रहा हूँ, अपनी सारी आइडियाज को, सारी सोच को बगल में रखिए, आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में जो चीजें बताई जा रही है दोस्तों, ये जो है पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए आप इसके साथ बने रहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले करूंगा एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो एक बारी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपकी ये लाइक जो है मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है। आप इसको शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर कोई पैसे कमाए, मैं चाहता हूँ कि हर कोई बिजनेस करे और बेहतरीन इनकम करे। बहुत आसान है, याद रखिएगा, बहुत आसान है, जिसके बारे में आज मैं इस वीडियो में जिक्र करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, या इस तरह के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, जो पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है। पहली रिक्वायरमेंट ये होती है दोस्तों कि सबसे पहले आपको अपनी एक कंपनी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। वो कोई भी फॉर्मेट हो सकता है, MSME रजिस्ट्रेशन हो सकता है, वो जो है LLP हो सकता है, पार्टनरशिप हो सकता है, प्राइवेट लिमिटेड, कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा एक GST नंबर की जरूरत पड़ेगी, ये आपको ध्यान में रखना होगा। और अगर इन दोनों में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आपको कोई भी दिक्कत आती है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करना, मैं आपके लिए ये चीजें अवेलेबल करवाऊंगा मार्केट में सबसे बेहतरीन रेट से। तो अब हमारा दूसरा जो कंसेप्ट है, मैंने इसकी रजिस्ट्रेशन की बात क्यों करी ये भी मैं बताता हूं, कि होता यह है दोस्तों कि जब आपका ब्रांड जो है पॉपुलर होने लगता है, तो उसके बाद से लोग क्या करते हैं कि आपकी ब्रांड से अगर रजिस्टर्ड ब्रांड नहीं है तो एडवर्टाइज करना शुरू कर देते हैं, और फिर बाद में जाके आपकी कंपनी को टेक ओवर कर जाते हैं, मतलब आपकी ब्रांड को भी वो टेक ओवर कर जाते हैं। इसलिए आपको इसको रजिस्ट्रेशन के साथ, लीगल प्रोसेस के साथ चलना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। दूसरा जो सेगमेंट है दोस्तों, कि इस बिजनेस को आपका जो है ही नहीं, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, उसको एग्जिस्टेंस के तौर पर प्रमोशन कैसे किया जाए। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग प्रीफर करते हैं कि यार एक पैम्पलेट बनाते हैं, बांट देते हैं, काम खत्म। नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप एक ब्रांड स्टोर बना रहे हो। तो ब्रांड स्टोर बनाने के लिए दोस्तों आप जो है एक बुकिस फॉर्मेट में आप जो है अपने स्टोर के बारे में बताइए, बहुत बेहतरीन डिजाइन बनवाइएगा, और उस डिजाइन वाले पैम्पलेट्स को आप बांटना शुरू करिए, राइट। अब कहां बांटना चाहिए, क्योंकि आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि रोड स्पेस बहुत सारे लोग होते हैं जो पैम्पलेट्स को बांटते हैं, बहुत सारे लोग देख के चले जाते हैं, बहुत सारे लोग लेते हैं, कुछ दूरी पर जाते हैं, उसको पाड़ के फेंक देते हैं। दिस इज नॉट इफेक्टिव, दिस इज नॉट वैल्यूएबल। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ऐसा करना है कि सबसे पहले सिलेक्शन करना है कुछ कंपनीज का, सबसे पहले सिलेक्शन करना है कुछ अपार्टमेंट का, सबसे पहले सिलेक्शन करना है कि क्वालिटी लोग रहते कहाँ हैं, सबसे पहले सिलेक्शन करना है कि क्वालिटी कॉलोनी है कौन सा, पॉश कॉलोनी कौन सा है, जहाँ पे आपके सर्विस की सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है, सबसे ज़्यादा दरकार रहता है। और दोस्तों इसके बाद से आपको उन्हीं जगह पे इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, देखकर डिस्ट्रीब्यूट करना है कि क्वालिटी लोग कौन से हैं। इसके बाद से अपार्टमेंट में अगर आपको घर घर जाके डिस्ट्रीब्यूट करने का ऑप्शन मिले तो आप वो कीजिए, डू इट फॉर दैट, बिकॉज दैट इज वेरी वेरी इफेक्टिव मॉडल फॉर योर बिजनेस। अब एक बार ही आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और जो कन्वर्जन रेशियो जो आता है दोस्तों, यहाँ पे मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो कन्वर्जन रेशियो आता है दोस्तों वो आता है 5% से 10%। मतलब कि अगर आपने 100 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया, यू विल गेट 5 ऑर्डर्स। अगर आपने 200 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया, यू विल गेट 10 ऑर्डर्स। अगर आपने 1000 डिस्ट्रीब्यूशन किया, यू विल गेट 50 ऑर्डर्स। झक मार के चलिए कि 30 ऑर्डर्स भी आपको मिल जाता है। मैं कह रहा हूँ 20 ऑर्डर मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है, 20 ऑर्डर्स जो है आपको यहाँ पे मिलता है।
तो अब जो आता है चैलेंज कि हम इसको सप्लाई कैसे करेंगे और सप्लाई करेंगे भी तो कहां करेंगे। ये सबसे बड़ा बिजनेस मॉडल होता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो क्योंकि आपके पास दुकान नहीं, अगर आपके पास स्टोर होता तो आप उसको उठा करके सप्लाई कर देते। स्टोर भी बनाएंगे लेकिन अभी नहीं बनाएंगे, राइट। अभी क्या करेंगे कि हम अपने सिटी के अंदर जाएंगे, ढूंढेंगे कि सबसे बेहतरीन मार्ट कौन सा है, सबसे बेहतरीन स्टोर जो होलसेल में सप्लाई करता है वो कौन सा है। आप देखेंगे कि जहां पे ये होलसेल स्टोर रहते हैं ना, वहां पे आसपास में बहुत सारे स्टोर्स रहते हैं, बहुत सारे स्टोर रहते हैं जिनकी सेल जो है उतना नहीं होता जितना सबसे बेहतरीन स्टोर वाले का होता है। क्यों? क्योंकि वो जो पॉपुलर होता है, पहले से पॉपुलर होता है, लेकिन उसके बगल में भी सेम रेट देने के लिए लोग तैयार रहते हैं, लेकिन उनके पास से लोग नहीं लेते। आपको ऐसे ही लोगों को पकड़ना है, आपको ऐसे लोगों से पकड़ना है और आपको बोलना है जाके कि सर मेरे पास 5000 से ज्यादा कस्टमर है जिनको हम डेली बेसिस पे सर्विस देते हैं, और हमारा कोई अपना स्टोर नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो सामान है वो डायरेक्टली हम आपके स्टोर से सप्लाई करें। उसकी बिक्री वैसे भी नहीं हो रही है बहुत ज़्यादा, तो ऐसे में वो बंदा एग्री कर जाएगा कि हाँ आप हमारे साथ काम करिए और हम जो है आपको बेहतर प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट आपको देना शुरू करेंगे। आपके स्टोर का, दुकान का जुगाड़ हो गया, प्रमोशन का जुगाड़ ऑलरेडी आपने कर दिया है, अब आपको सप्लाई करनी है। और सप्लाई के वक्त आपको बहुत खास चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, जो मैंने एसबी मार्ट के साथ किया था कि वहाँ पे कुछ गड़बड़ी मैंने करी थी, जिसको आपको नहीं करना है। बताऊँगा मैं उस चीज़ को भी, लेकिन अभी समझते हैं कि आपको करना क्या है। सबसे पहले हमें फोकस करना है क्वालिटी का। थोड़ा सा महंगा मिले प्रोडक्ट, नो इशू, बट यू हैव टू मेंटेन योर क्वालिटी। दिस इज़ अ वेरी वेरी फेनोमिनल टॉपिक फॉर एनी बिजनेस। If you want to improve the quality, अगर आप क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो सबसे बेहतरीन क्वालिटी लीजिए। आप जो है स्टिकर्स बनवा लीजिए मार्केट के थ्रू, और आपके पास एक सीलर होना चाहिए। सीलर मतलब एक बड़ा सीलर भी होता है, छोटा सीलर भी होता है, हीट सीलर भी होता है। मैं कहूँगा कि आप इस तरह के जो सीलर्स हैं, जैसे जो स्मॉल स्केल पर सीलर्स जो आते हैं, जो अमेजन से आप खरीद सकते हैं, लिंक इसके वीडियो के नीचे दिया गया है, तो आप जो है उस तरह के सीलर का इस्तेमाल कीजिए। और तुरंत जैसे आधा किलो का पैकेजिंग है तो पॉलीथीन आप खरीदिए और आधा किलो की पैकेजिंग के साथ उसको तुरंत पैकेज मार दीजिए, और उसके अंदर जो है आप अपने स्टोर का एड्रेस या स्टोर का नाम और उसके बाद से उसका व्हाट्सएप नंबर आप दे दीजिए, और उसमें उस ब्रांड का नाम लिख दीजिए, पेंसिल से लिख दीजिए, कलम से लिख दीजिए, नो इशू, बट आप उसके अंदर डाल दीजिए। ये जो है आपकी ब्रांडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि मार्केटिंग के अंदर ये बात कही जाती है कि कोई भी प्रोडक्ट, जैसे मान लीजिए कि ये कप है, इसको आपको सेल करना है, अगर इसको 5 से 6 बार आप किसी बंदे के सामने प्रेजेंट कर देते हैं तो उसको इस ब्रांड का नाम पता हो जाता है और वो आपके पास से ऑर्डर करने की कैपेसिटी या जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसे में आपको यही करना है कि हर जगह पे अपनी ब्रांड को चिपकाना है, और फाइनली जो प्रोडक्ट आपका रेडी हो जाता है उसको इस तरह के पैकेजिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह की पॉलीथीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस तरह की पॉलीथीन में इसके बारे में आप सब कुछ यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और इसके अंदर इसको सील करके और इस पॉलीथीन को आपको जो है मार्केट, आप जो है उन लोगों को सप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट पैकेजिंग, बिल्कुल परफेक्ट माल, एकदम बेहतरीन, बस आपको उठा के डिलीवर करवा देना है। और दोस्तों मैं बता दूं कि आपको यहाँ पर एक थोड़ा सा पॉइंट जो है ऐड करना है कि आप यहाँ से बोलिए कि 500 रुपीस तक के जो नीचे के ऑर्डर है उसमें शिपिंग कॉस्ट जो है आपका लग जाएगा, लेकिन 500 से ऊपर के जितने भी ऑर्डर्स हैं वहाँ पे शिपिंग चार्ज नहीं लगेगा। अब दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ से अगर आप इस तरह के माल को होलसेल से डायरेक्ट उठा के चलेंगे तो यहाँ से कम 100 रुपये तक की प्रॉफिट जो है वो आपको निकल जाने वाली है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपोजर है। 100 रुपीस आप जो है एक लॉट में सेव कर पाएंगे। इस तरीके से अगर आपने 30 ऑर्डर्स जो है डेली का सप्लाई कर रहे हैं 100 रुपये के हिसाब से, और तो आपको 3000 रुपये की प्रॉफिट जो है पहले दिन से मिलने शुरू हो जाएगी, बशर्ते आपको मार्केटिंग पर बहुत अच्छा ध्यान देना पड़ेगा। और मार्केटिंग की एक और सबसे खास चीज़ होगी दोस्तों कि आज के समय में एडवर्टाइजिंग बहुत अच्छा से काम करता है। जैसे मान के चलिए कि एक पॉश इलाका है और उस पॉश इलाके में बहुत सारे लोग जो है आपके ब्रांड से अवेयरनेस है, तो आप उनके कॉन्टैक्ट नंबर को या उनके ईमेल आईडी को किसी भी तरीके से कलेक्ट कर पाते हैं और उन लोगों को टारगेट करके और सोशल मीडिया कंपेन चला देते हैं, ऐड चला देते हैं, तो वो जो कस्टमर है वो आपके पास बहुत आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से आ सकती है। तो दोस्तों वो
वो जो है आपका कस्टमर बन गया। अब जब वो आपका कस्टमर बन गया तो उसके लिए आपको अब आगे क्या करना है, आगे क्या क्या प्रोसीजर है, क्योंकि आप जो है एक बहुत बड़े मार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। आपका जो है स्टोर नहीं है लेकिन बहुत बड़े स्टोर की तरफ बढ़ रहे हैं। कल के डेट में ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि उसी सेम नेम से उसी एरिया के अंदर लोकेशन के अंदर आपको अपना एक रिटेल स्टोर खोलने का भी मौका मिले, क्योंकि नाम जो है वो ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को पता है। आसान होगा, बहुत आसान होगा खोलना, क्योंकि आपकी अर्निंग जो है उसी सेम ब्रांड नेम से हो रही होगी। ऐसे सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है उनसे फीडबैक लेना शुरू कीजिए, क्योंकि जब आप सामान को लेकर के जाते हैं और दूसरा बार अगर कोई बंदा सेम चीजों का ऑर्डर करता है या फिर से मंगाता है तो आप उससे फीडबैक लीजिए कि सर हमें इस स्टोर में ऐसा क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए जिस इम्प्रूवमेंट के वजह से आप जो है और भी सामान ले सकते हैं, या कौन सी चीज़ है जो थोड़ा सा आपको अकॉर्ड लगा और बेहतर और किया जा सकता है और बेटर किया जा सकता है, वो फीडबैक देगा। फिर उस फीडबैक पे बैठ के प्लानिंग कीजिए और इस सर्विसेज को और ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये स्टोर जो है आपका रन करेगा, और बिना स्टोर के 5,000 रुपये से शुरुआत किया गया ये स्टोर कल के समय में एक बेहतरीन रिटेल चेन के रूप में भी बन सकता है, बेहतरीन रिटेल चेन भी यहाँ से डेवलप हो सकता है। और ये स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है। अगर इसमें प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है, वैसे आनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर आती है तो आपको उसको बैठ के सोचिए और फिर उसका काम करना शुरू कीजिए। हमने जो इसके साथ गलती करी थी, जिसको मैंने ब्रांड दिखाया था, उसमें गलती करी थी कि बारिश का मौसम था, बहुत सारे ऑर्डर्स आ रहे थे और प्रोडक्ट्स जो आ रहे थे, हमने जो है स्टोर से सामान उठाया, हमने उसको इंस्पेक्ट करना ज़्यादा अच्छा नहीं समझा, क्योंकि हम लोग उठाते थे सामान को ले जा करके वैसे दे देते थे। तो एक बारी जो लॉट गई उस लॉट में थोड़े से कीड़े आ गए थे, जैसे वो उसके अंदर कीड़े आ गए थे बरसात के सीजन में, और इसकी वजह से जो ऑर्डर्स थे हमारे डाउन हो गए, और आप ये समझ लो कि फिर से उसको रीबिल्ड करना पड़ रहा था और फिर से मेहनत करना पड़ा था। इसमें इसी की वजह से एक गलती हमने किया और उसके बाद से हमारा जो स्टोर है वो गड़बड़ हो गया। तो आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जो भी आप प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हो, जो भी आप मार्केट से प्रोडक्ट उठा रहे हो, सबसे पहले उसको इंस्पेक्ट करो, पैकेजिंग बेटर करो, क्वालिटी इंप्रूव करो और उस प्रोडक्ट को होम टू होम डिलीवर करो पैकेजिंग के साथ, ब्रांडिंग के साथ। अब इसी स्टोर को अगर आपको और तेजी से स्केल करना है, क्योंकि आपके लिए एक ये पॉसिबल नहीं होगा कि हर घर में जाके आप जो है पैम्पलेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करें, हर जगह जाकर के आप जो है अपने जो भी अपने कैटलॉग बनाई है उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, तो इसका सबसे बेहतरीन ऑप्शन होगा दोस्तों कि एडवर्टाइजिंग। और वो एडवर्टाइजिंग आप कर सकते हो फेसबुक के माध्यम से, और वो एडवर्टाइजिंग हमारी कंपनी आपके लिए कर सकती है प्रॉपर तरीके से। तो इसमें क्या होगा दोस्तों कि जो भी बंदे आपके ले रहे हैं, जो भी बंदे आपके सामान ले रहे हैं, उस लोकेशन के अंदर अराउंड अराउंड जैसे 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर के अंदर जितने भी लोग रिसाइड करते रहते हैं, उन सारे लोगों को जो जो सामान लेने वाले लोग हैं उनके जैसे जो होते हैं या उनके जैसे बिहेवियर है, जो सामान लेना पसंद करेंगे, उन तक हम आपके एडवर्टाइजिंग को पहुंचा देंगे। और उससे क्या होगा कि जो ऑर्डर्स जो 25 आ रहे थे, 30 आ रहे थे, ये ऑर्डर एक ही बार 100 ऑर्डर, 200 ऑर्डर, 300 ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये टेक्निक अगर आप इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, तो मैं दावा के साथ नहीं बल्कि गारंटी देके कहता हूं कि आपके बिजनेस को चलने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आपके इस बिजनेस के बारे में जानकारी थी या अगर लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आपके एंगल से इसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। मैं पर्सनली इस वीडियो का रिस्पांस आपको करूंगा और मैं ये आपको रिप्लाई करूंगा कि किस तरह से उस प्रॉब्लम का या उस ग्लिच का समाधान भी निकाला जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको अच्छा लगा होगा, बेहतरीन लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, जितना ज़्यादा शेयर करिएगा जितने लोगों तक आप पहुँचा सकते हैं, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा ताकि इस तरह की वीडियो जब भी मैं लेकर के आता हूँ सीधे आप तक सबसे पहले पहुँचाया जा सके। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय भारत।